वेल, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा लाइट वाली वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, जिसके कारण मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाता। तो अब जाके मैं इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, और अगर अभी तक तुमने वो लाइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक ही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में एनिमे क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, एनिमे वर्ल्ड जापान से आया है, बट फिर भी इंडिया में कोई भी 18+ कार्टून क्यों नहीं है। ठीक है, 18+ थोड़ा गलत साउंड कर रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम समझ गए होगे। आखिर इतना फैला हुआ बिजनेस होने के बावजूद भी इंडिया में कोई एनिमे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के लड़के को मांगा खरीदने से ज्यादा मांग बढ़ने पे ध्यान है। वेल, ठीक है, ये थोड़ा सा बुरा जोक था, लेकिन झेल लो, और मैं आज के बाद ऐसा ट्राई नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले कि इंडिया में कोई भी एनिमे क्यों नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद या तो तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे या तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक एनिमे के बनने का प्रोसेस क्या है। डोंट वरी, मैं इसमें बिल्कुल भी डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि यार अगर डीप में गया तो ये वीडियो 20-30 मिनट की हो जाएगी, और मुझे पता है तुम उतनी लंबी वीडियो तो मेरी देखने नहीं वाले। मांगा टू एनिमे बोलने में कितना ज्यादा सिंपल लग रहा है ना, बट इस मांगा से एनिमे के बीच में इतने सारे प्रोसेस आते हैं कि अगर मैं वो बताने बैठा तो दो चीजें होंगी, एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, एंड दूसरी तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है एनिमे को लेकर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबी हो। ठीक है, अब मान के चलते तुम्हें एक एनिमेटर बनना है। यस, तुम्हें एक एनिमेटर बनना है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें मांगा राइटर बनना है या एनिमेटर बनना है, क्योंकि वो कहते तो है कि वो एनिमेटर बनना चाहते हैं, बट एट सेम टाइम वो चाहते हैं कि वो एक मांगा भी लिखे या फिर ये कह सकते हो ड्रॉ करे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें एक एनिमेटर बनना है, तो तुम्हारा कितना खर्चा आएगा? अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 लाख का खर्चा आएगा। मेरा एक दोस्त है, यस, उसके माँ बाप मान गए, पता नहीं कैसे क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जो माँ बाप है वो मान गए, और उसका अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 लाख का खर्चा बन रहा है। एंड जब ये सीख लेगा तो उसे 30,000 की जॉब भी मिलेगी, तो मतलब बढ़िया ही है। और मैंने भी थोड़ा गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला, हाँ, 3 से 5 लाख तक का खर्च आ जाता है। अब मान के चलते तुमने अपना मांगा ड्रॉ कर लिया एंड अपनी स्टोरी के रिलेटेड वो सारा कॉन्टेंट तैयार कर लिया, अब तुम्हारे आगे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो है फाइनेंशियल सपोर्ट की। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम इतने तो अमीर नहीं हो कि तुम इतना कॉस्ट संभाल सको, तो तुम्हें जरूरत होगी एक प्रोड्यूसर की जो तुम पर पैसा लगाएगा। डीमन स्लेयर के एक एपिसोड को बनाने लगभग $80,000 तक का खर्च आया था। एक एनिमे के एक एपिसोड को बनाने लगभग $1,00,000 से $3,00,000 तक का खर्च आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिक्स है, ऊपर नीचे हो सकता है तुम्हारे फेवरेट एनिमे का, बट जरा सोच के देखो कोई तुम पर इतना पैसा क्यों लगाएगा, वो भी एक ऐसे देश में जहां लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तुम सीजन 1 में कम से कम 15 से 16 एपिसोड तो रखने ही वाले हो, एंड तुम्हें पता है उसका कॉस्ट कितना आएगा, तो कोई इतना पैसा तुम पे क्यों लगाएगा, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में एनिमे ग्रो नहीं कर रहा, इंडिया में बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमे ग्रो कर रहा है, इवन मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा इस तरीके से एनिमे ग्रो कर रहा है। आज कोई ऐसा नहीं है जिसे एनिमे के बारे में नहीं पता। ठीक है, एंड चलो मान के चलते तुम्हारे पास प्रोड्यूसर आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, अब उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है, यहाँ के एनिमेशन स्टूडियो 1500 एनिमेशन स्टूडियोज है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी इनका कंटेंट तुम देख सकते हो, इवन कुछ यूट्यूबर्स इनसे बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एनिमेशन तुम देख सकते हो उन यूट्यूबर्स की, इन एनिमेटर्स से ज्यादा बेटर है। पता है दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है, लाइक ये पहले कोई एक रैंडम कंटेंट अपलोड कर देंगे, कोई सा भी कार्टून अपलोड कर देंगे, एंड उनके मर्चेंडाइज को इतना ज्यादा बेचते हैं ना, इनका इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, जब इनका प्रॉफिट हो रहा है तो ये फिर क्यों सोचेंगे। एंड उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है यूथ। देखो यहाँ पे घर बैठे बैठे मैं भी बोल दूंगा कि लाइक यूथ इस चीज में कुछ सोच नहीं रहा, देखो किसी भी कंट्री का फ्यूचर उसका यूथ होता है। ठीक है, मैं यहाँ घर बैठे बैठे आराम से बोल सकता हूँ इस बात को, अगर तुम किसी से पूछोगे ना उसे क्या बनना है, तो मोस्टली यार देखो कहने के लिए तो बोल देंगे कि मुझे ये बनना है वो बनना है, लेकिन सच बताओ तो ये बस उनकी एक इच्छा है कि हाँ अगर कभी मौका मिला तो उसमें काम करेंगे, नहीं तो गाड़ी तो चली रही है अपनी। एक मिनट, ये मुझे मेरी कहानी क्यों लग रही है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि इंडिया जैसी कंट्री में किसी के पास एनिमे टाइप कोई कंटेंट दिमाग में ना आए। देखो यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी कुछ कंटेंट हो, तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस डिस्कस करूंगा, मेरे पास भी एक स्टोरी है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं यूज भी होगी, तो हम थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो यही मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू था। देखो हमें शुरुआत में ना कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एनिमेशन के मुताबिक, क्योंकि देखो अभी तो मुझे नहीं लगता उतना अच्छा एनिमेशन दे पाएगा इंडिया। ठीक है, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर कुछ हो जाए। तो यही मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू था, तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एंड अगर कोई पॉइंट गलत हो तो मुझे जरूर बताना, एंड मैं उसे ठीक करूंगा अगली वीडियो में अगर हो सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।